यहाँ बाहर कौन है? लेट्स सी। ओह हो, व्लॉगर का शूट चल रहा है और लेने वाली है शफक। नाइस। एक्चुअली सनलाइट में पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, तो पिक्चर्स आपको बाद में दिखाएंगे। पिक्चर क्रेडिट जो जिसको जाना चाहिए उसको भी ले लो यार तुम कैमरे में। हाँ ये लो ये लो। और ईद के फोटे जो है वो हम लोग पहुंच गए हैं राजा बाज़ार, क्योंकि बाजी ने जो है वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। एक्चुअली उनकी जो है वो शादी है बेटी की, तो उन्होंने मेहंदी का कुछ सामान और निकाह का जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके वहाँ पर जो है वो व्लॉगिंग करूँ और आप लोगों को जो है वो चीज़ें दिखाऊँ मेहंदी की, क्योंकि अब वैसे भी शादी सीज़न स्टार्ट हो गया है और बहुत से जो लोग हैं वो होपफुली शादी की तैयारियों में बिज़ी होंगे। तो आजकल तो वो शादी के सामान भी लेना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं, रेट जो है वो आसमानों को छू रहे हैं। और हमने जो है वो पहली शॉप से कुछ भी नहीं लिया और अब नेक्स्ट शॉप में जो है वो आ रहे हैं, जो है वो किसी दूसरी शॉप में आए हैं, वहाँ पर जो है वो रेट्स काफ़ी हाई थे और अब एक और शॉप में आए हैं। लेट्स सी के यहाँ के रेट जो है क्या है। और ये बहुत बड़ी दुकान है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि बाजी ने यहाँ से जो है वो कुछ बैकग्राउंड डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी, तो अभी हम वही चीज़ डिसाइड कर रहे हैं।
हैं वो मम्मा की फ्रेंड के घर आए हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे, छोटे से बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। हमारा साथ ही जो है वो घर है, तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। मामा मुझे यहाँ पर लेकर आई है इनसे मिलाने के लिए। ये बहुत ही अच्छे खुश अखलाक लोग हैं और मामा की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो हम यहाँ पर आए हैं इनके घर में। और ये जो है वो मेरी फूफो का घर था पहले, जो कि अब उन्होंने सेल कर दिया है। और बच्चे जो है खूब शोर मचा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो हम आए हैं ग्रोसरी करने के लिए, और कुछ चीज़ें जो है वो घर की ख़त्म हुई हुई थी, तो मामा ने कहा कि चलिए यहाँ से ले लेते हैं। सो ये ग्रोसरी करने के बाद जो है वो हम लोग घर की तरफ जाएंगे। तो मेरा व्लॉग जो था वो यहीं तक था। अगर अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।